स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जिन स्टूडेंट का एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हुआ वो कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, और इसके साथ साथ एडमिट कार्ड पे किस किस स्टैंप मरवानी है, ये सारी बातें जो है सारी हम डिस्कस करने वाले हैं। और कि गवर्नमेंट बच्चे पूछ रहे थे कि क्या प्राइवेट कॉलेज के प्रिंसिपल से भी करवा सकते हैं या सिर्फ गवर्नमेंट से होगा, और किस किस से करवा सकते हैं, और इसके साथ साथ एंट्रेंस एग्ज़ाम जो है कब होने वाला है, मतलब कि कितने मार्क्स का होगा और नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होंगे, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी या होगी, ये भी कुछ डाउट्स थे स्टूडेंट्स के, वो बातें भी हम डिस्कस करेंगे। अगर कोई बातें जो है इस वीडियो में लेफ्ट हो जाए तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं, हम नेक्स्ट वीडियो में उनके बारे में ट्राई करेंगे। तो जो अपना एडमिट कार्ड है उसमें हम यहाँ पर स्टैंप मरवा सकते हैं गजेटेड जो ऑफिसर्स हैं उनकी। तो वो होते हैं गजेटेड ऑफिसर्स, वो होते हैं जो कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं जो कि हायर रैंक पर वर्क कर रहे होते हैं। कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय, नॉर्मल गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं होता है, हर कोई नहीं स्टैंप मार सकता है, सिर्फ वो गवर्नमेंट सर्वेंट होता है जो हायर कैटेगरी पर, सॉरी जो हायर रैंक पर हमारे वर्क कर रहा है। आर्टिकल 309 के अकॉर्डिंग जो है ये जो है इनकी कंप्लीट लिस्ट जो हमें प्रिपेयर कर दी गई है, और वही लिस्ट जो है मैं तुम्हें इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो क्लास 1, क्लास 2 एंड क्लास 3 में तीनों डिफरेंट होते हैं, कौन से ऑफिसर्स होंगे वो मैं तुम्हें इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले ऑफिसर्स होते हैं जो आर्म्ड फोर्सेस के होते हैं, और स्टेट्स वगैरह होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट वाइस चांसलर, ठीक है, ये प्रिंसिपल एंड फैकल्टी मेंबर्स होते हैं, एंड डॉक्टर्स होते हैं। तो प्रिंसिपल में भी बात आता है कि कौन से प्रिंसिपल, तो गवर्नमेंट जो अपना कॉलेज होता है सिर्फ उन्हीं के प्रिंसिपल, और जो जूनियर गवर्नमेंट कॉलेज सॉरी जूनियर गवर्नमेंट स्कूल होगा उनके नहीं, जो हायर सेकेंडरी अपना होता है उन्हीं के प्रिंसिपल की स्टैंप यहाँ पर वैलिड मानी जाती है। और इसके साथ साथ डॉक्टर्स होंगे जो जूनियर डॉक्टर्स होते हैं, मतलब जो MBBS के जो डॉक्टर्स होते हैं उनकी स्टैंप जो होगी वो वैलिड मानी जाती है, उनकी स्टैंप भी तुम लगा सकते हो। इंजीनियर की जो स्टैंप होती है वो भी वैलिड हमारे मानी जाती है, ड्रग कंट्रोलर्स की भी हमारी जो स्टैंप है वो वैलिड मानी जाती है, इनसे भी तुम यहाँ पर लगा सकते हो। IPS IAS जो भी अपने सिविल सर्वेंट्स होते हैं हायर रैंक पे जो कैटेगरी सर्विस 1 के अकॉर्डिंग आते हैं, उनसे भी तुम यहाँ पर स्टैंप जो है अपने एडमिट कार्ड पे लगवा सकते हो। तो ये हमने देख लिया हायर जो सॉरी क्लास 1 के बारे में, और असिस्टेंट कमिश्नर से भी तुम लगवा सकते हो। तो बात करें क्लास 2 के बारे में, ठीक है, तो जूनियर इंजीनियर जो होते हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट उनसे भी तुम स्टैंप मरवा सकते हो। इनकम टैक्स ऑफिसर और इसके साथ साथ असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर इन वेरियस मिनिस्टर और द सीनियर फार्मासिस्ट इन हेल्थ डिपार्टमेंट, फार्मासिस्ट से तुम मरवा सकते हो, बट सिर्फ सीनियर ही होने चाहिए। एंड तो ये हमने तुम्हें कंप्लीट लिस्ट जो है प्रिपेयर करके दे दिया, इन्हीं से सिर्फ तुम्हें एडमिट कार्ड पे स्टैंप मरवानी है, तभी जाकर जो है तुम्हारी स्टैंप जो है वैलिड मानी जाएगी। अभी बात करने वाले कि क्या नेगेटिव मार्किंग हमें एंट्रेंस एग्जाम में देखने को मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो अपना एंट्रेंस एग्जाम 14 के लिए फाइनल है, और यहाँ पर मीडियम जो है इंग्लिश होने वाला है, ड्यूरेशन जो होगा 3 आवर्स का होने वाला, एक ही पेपर होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन हमें देखने को मिलेंगे, 180 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मिलेंगे। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी जो होगी वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगी, 60 मार्क्स की फिजिक्स, 60 मार्क्स की केमिस्ट्री और 60 मार्क्स की बायोलॉजी हमें देखने को मिलेगी। हर क्वेश्चन एक नंबर का होगा, 180 मार्क्स का जो पेपर अपना आने वाला है, और नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली है, ठीक है, कोई नेगेटिव मार्किंग हमें पेपर में देखने को नहीं मिलेगी। तो ये कुछ बातें थी जो हमने डिस्कस कर लिया। तो जिसका भी एडमिट कार्ड जो है डाउनलोड नहीं हो रहा है वो अब डाउनलोड हो जाएगा, ऑफिशियल वेबसाइट खुल चुकी है, वहां से तुम डाउनलोड कर लो। और जिन जिन का अभी तक लिंक नहीं आया है जीमेल पे, काफ़ी बच्चे बोल रहे कि लिंक नहीं आया है, कहीं का लिंक ओपन नहीं हो रहा है, तो वो अपना लॉगिन कर लो यार, लॉगिन आईडी से पासवर्ड से तुम ऑफिशियल से जाके जो है लॉगिन कर लो, सिंपल है, लॉगिन कर लोगे वहाँ से भी डाउनलोड अपना हो जाने वाला है। फिर भी अगर नहीं होता है तो मैं हेल्प करने की कोशिश करूँगी, इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर तुम फॉलो कर सकते हो, पूछ लेना जो भी डाउट हो तुम्हारे। और वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताओ कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, और किस टॉपिक पे तुम्हें अभी भी डाउट है। मिलते हैं कि नेक्स्ट और न्यू वीडियो के साथ।